ये हमको कान में फुसफुसा के बोल गए जब आप बोल रहे थे कि ये नेता जी हैं, यही बोला था। ये आपको नेता जी क्यों बोल रहे थे? नेता जी इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने मतलब यहाँ से MUSU का मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन? जी, स्टूडेंट यूनियन का 2017। किस पोस्ट के लिए लड़ा था? मैंने कैबिनेट मेंबरशिप के लिए कंटेस्ट किया था। थोड़ा भाई साहब हमको समझाएंगे, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपके यहाँ का स्टूडेंट यूनियन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। स्टूडेंट यूनियन में यह है कि जो यहाँ का स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा रोल होता है बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद उसके अंदर 10 कैबिनेट मेंबर्स होते हैं जिसमें एक सीनियर कैबिनेट भी होता है, ठीक है, उसके लिए। उसका आपने इलेक्शन लड़ा? जी, उसके लिए मैंने। फिर क्या रहा इलेक्शन में? इलेक्शन में मतलब कि लूज कर गया था, बट फिर भी मैंने, कोई बात नहीं, ये तो हारा जीती। 596 के आसपास जो मैंने वोट सिक्योर किया था। 2600 के लगभग वोट मिले थे आपको? आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भैया। अरे बड़ा है भैया, 2600 वोट यूनिवर्सिटी में हासिल करना है? और उसके बाद जो तो क्या इरादा क्या था गुरु तुम्हारा चुनाव जीतने के बाद तुम क्या करने वाले? मेरा इरादा ये था कि जो यहाँ स्टूडेंट जो थे, मतलब कि जो छोटे मोटे जो काम होते थे, जैसे कि हॉस्टल में प्रॉब्लम होती थी उनको। क्या प्रॉब्लम होती है हॉस्टल में? जैसे कि हॉस्टल अलॉटमेंट में उनको बहुत सारे इश्यूज आते थे कि मतलब कोई एक्सटर्नल अगर आ रहा है तो उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होता था, उसमें रहने की प्रॉब्लम थी। फिर कुछ डाइनिंग का भी कुछ जो है डाइनिंग का भी इशू रहता था। हमने डाइनिंग का क्या इशू रहता है? डाइनिंग में इशू रहता था कि उसमें जैसे खाने की क्वालिटी को लेके मतलब थोड़ा सा इशू। हॉस्टलों का वही दुख है जी, मेस में खाना अच्छा क्यों नहीं मिलता? हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब अपनी दूर से अगर बच्चा आएगा यहाँ पढ़ने के लिए कोई भी आएगा तो उसको एक प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको खाने के लिए अच्छा मिलेगा तभी वो अच्छा पढ़ेगा। आप विपक्ष में रह के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना? मैं विपक्ष में रह के मतलब मैं जब तक था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने मतलब कि अब, लेकिन मेरा कि फॉरेन में सिलेक्शन हो गया। फॉरेन में मतलब? फॉरेन में मीन्स मतलब जो है हंगरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। आप हंगरी जाओगे? जी यार, वो निहायत ही खूबसूरत शहर और देश है जी। अब आप बुदापेस्ट में रहोगे? जी जी, बुदापेस्ट मतलब हंगरी में जा रहा। पार्टी वार्टी दी दोस्तों को कि नहीं? अभी बस वीजा आने वाला है इंशाल्लाह, जो है मैं एक आध 24। ये आपके कोई दोस्त यहाँ मौजूद हैं? दोस्त मतलब ये है मेरे दोस्त, इधर आओ, इधर आओ, ये दोस्त यही है। तुम तो BPSC में जाने वाले हो, ये हंगरी जा रहे हैं? जा रहे हैं? पार्टी वार्टी दी इन्होंने? पार्टी हाँ दी थी। दे दी। बहुत कन्विक्शन नहीं दिख रहा आपके हाँ में। मतलब पार्टी दमदार नहीं थी। भाई एक सेकंड रुकिएगा, जरा पहले समझाइए भाई कि दमदार पार्टी क्या होती है। दमदार पार्टी ये होती है, कम से कम 4-5 हज़ार खर्च होने ही चाहिए। 4-5 हज़ार खर्च होने चाहिए, सस्ते में निपटा दिया इन्होंने। सस्ते में निपटा दिया। भाई साहब आपके दोस्त कुछ खफा से लग रहे हैं? नहीं नहीं, ये खफा नहीं है, बिल्कुल खुश है ये मुझसे। ना खफा ना बेवफा, बिल्कुल दुरुस्त। बस वीजा का इंतजार है, फिर उसके बाद दमदार पार्टी होगी। वीजा आ जाए उसके बाद जो है। वहाँ पे आप हंगरी जाके क्या करेंगे? वहाँ से मतलब मेरा MBA करने का, मतलब कि मेरा MBA में सिलेक्शन हुआ था और MS में, तो मैंने मास्टर ऑफ साइंस। MBA की MS? MBA। अच्छा, MBA करेंगे जी। मतलब ये है कि मैंने टेक्निकल कोर्स तो यहाँ से कम्प्लीट कर लिया ग्रेजुएशन, तो वहाँ से यह है कि मेरा इरादा कि मैनेजमेंट कोर्स करना है, ताकि जो है टेक्निकल विथ मैनेजमेंट करने के बाद जो है BTech प्लस MBA जी। फिर आगे क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद फिर मतलब कि मेरा जॉब में मतलब कि जाने का इरादा, मतलब एक वहीं विदेश में रह जाएंगे या भारत वापस आएंगे? अभी डिपेंड करता है वहाँ जाने के बाद क्या सिचुएशन वहाँ होती है। वहाँ अगर सेटलमेंट अच्छा हो जाता है तो मे भी मतलब कुछ वक्त तक के लिए, लेकिन नॉट मतलब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले? मैंने ये सुना है कि AMU में आजमगढ़ से बहुत लोग पढ़ने आते हैं, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और ये भी सुना है कि उनका जलवा भी यहाँ बहुत होता है। मैं आजमगढ़ में मुबारकपुर में एक मतलब कि गाँव है अमीलो, जबकि अब वो कस्बे मतलब कस्बा के अंदर आता है मुबारकपुर। हाँ। तो मेरा ताल्लुक वहाँ से। नहीं नहीं, वो तो मैंने समझ गया, अब पोस्ट बॉक्स नंबर ना बताना। पर यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ जगहों का बड़ा जलवा रहता है। नहीं, जलवा वाली बात नहीं है, अब ये है कि ये इम्पैक्ट ये लोगों का मतलब कि मीडिया का किसी का भी, वो किस तरह से चीजों को सामने पेश करते हैं। अरे मैं AMU के अंदर आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ का मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब प्रोफेसर भी हैं यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अंदर। और फिर जो शिवली नोमानी साहब थे, मतलब वो भी आजमगढ़ के ही रहने वाले थे, उनका भी बहुत अहम रोल रहा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने वहाँ पे एक इदारा कायम किया जो कि आज शिवली। इदारा क्या होता है भाई? कॉलेज जी। अच्छा। शिवली, जहाँ जहाँ मुझे समझ में नहीं आएगा मैं पूछ लूंगा, बिल्कुल मुझे भी समझ में आ जाए, जो दर्शक देख रहे हैं व्यूअर उनको भी। सही बात है, सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए और सबको समझ में आना भी चाहिए। तो वहाँ उन्होंने शिबली कॉलेज के नाम से, आप आजमगढ़ में जाएंगे तो शिबली कॉलेज एक बहुत ही पुराना बड़ा मशहूर कॉलेज, बिल्कुल शिबली कॉलेज, वहाँ से भी मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं और वो भी वहाँ से यहाँ आते हैं। तालिबे इल्म वहाँ जाएंगे तो आपको एक से एक मतलब मिलेंगे वहाँ पढ़ने वाले,
और वहाँ से पढ़ के बहुत से लोग फॉरेन भी जाते हैं, यहाँ से भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, फिर जब जैसे मैं वहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से पढ़ के मैं भी फॉरेन के लिए जो है वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ पर निकल रहा हूँ पढ़ने के लिए जी। तो ये पॉलिटिक्स में जाएंगे और आप अभी तय करोगे? अभी पॉलिटिक्स में मेरा जाने का अभी इरादा नहीं है। अच्छा अभी नहीं, ओ हो, बाद में आपका भी है? बाद में है, खून में रहता है पॉलिटिक्स सर। एमयू के स्टूडेंट में 100% तो नहीं, मोस्टली स्टूडेंट के नस में कहीं ना कहीं। मोटा माटी कितना, ठीक ठीक लगा लो कितना होगा? 60-70% 60-70 दे दिया भाई ने नंबर। 60-70% तो आप बाद में पॉलिटिक्स में जाओगे? बिल्कुल बाद में, मतलब जाने का इरादा, क्योंकि पहले अपने आप को एक एजुकेटेड और एक अच्छा अपने आप को एक इंसान बना ले, थोड़ा पढ़े लिखे बढ़िया लोग आए, ठीक है, उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। जैसे आप आज के टाइम में देख ले लोकसभा में, जो अगर पढ़े लिखे हैं, चाहे वो एक इम्तियाज़ जलील अगर की स्पीकर हैं वहाँ पे लोकसभा के, औरंगाबाद के एमपी हैं, ठीक है, उनका आप देखिए किस तरह से, मतलब अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो उन्होंने भी पत्रकारिता मतलब तकरीबन 25 साल के आसपास किया हुआ है, ठीक है, तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन देखिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर बनने के बाद जो है सिर्फ 5 साल, मतलब कि 22 दिन के अंदर उन्होंने चुनाव जीता एमएलए का, उसके बाद 5 साल बाद एमएलए रहे 5 साल और फौरन एमपी का चुनाव जीत गया। अब 21 ईयर से वहाँ पे एक शिवसेना का जो कि एमपी था चंद्रकांत खैरे, वहाँ एमपी थे, उनको उन्होंने वहाँ डिफीट किया थम्पिंग मेजोरिटी। तो वो आपके आदर्श वो हैं? आदर्श क्या, मतलब मैं जो देखता हूँ कि मतलब जब कभी भी लोकसभा के अंदर जो है कभी भी सेशन होता है तो उसमें हम देखते हैं, तो उसमें नोटिस करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी कौन कितने ज़्यादा अच्छे मतलब इश्यूज को उठा रहा है वहाँ पे, और किसको किसको देखते हैं आप उसके अंदर? सर बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी हैं जो एमआईएम के मुखिया हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है, वो अभी इस बार यूपी में भी आ रहे हैं, मतलब क्या असर रहेगा? आप भी यूपी से हैं, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एमआईएम वो भी आ रही है यूपी में, किस तरह का असर होगा आप देख? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बार उनका पिछली बार के कंपैरिजन में 90% ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। जैसे पिछली बार आए थे, जब कोई पार्टी आती है नई नई तो लोग सोचते हैं, तो बस कुछ वक्त के लिए आए, वो 38 सीटों में उन्होंने उस वक्त चुनाव लड़ा था, ठीक है, 37 सीट पर जमानत जब्त हो गई उनकी, एक सीट संभल थी जहाँ से उनको कुछ परसेंट वोट, तकरीबन 0.2% के आसपास उनको वोट मिला था, लेकिन इस 0.2 मिला था संभल से, ओवरऑल जीरो पॉइंट तकरीबन 2 लाख के आसपास उनको कहा जाता है कि वोट मिला था, जो यूपी की जो अब मतलब पॉपुलेशन उसके हिसाब से, और वहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे भी थे संभल के अंदर जो है, लेकिन उस बार का कुछ ये था कि पार्टी अभी जस्ट अभी उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड लेवल तैयार भी नहीं किया था, अभी सिर्फ आए थे, लेकिन इस पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने जो अपना बेस बनाया अपनी पार्टी का, तो आज के टाइम में मुझे लगता है कि अब जो आएंगे तो अब अच्छा उनका अलायंस भी मतलब कि जो है कहीं ना कहीं अलायंस भी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं सबको जोड़ा जाए, ठीक है, इवन समाजवादी पार्टी हो गई उनसे मतलब उनकी भी बात कर रहे हैं कि भाई वो भी आए साथ, मतलब जो जो मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें सबकी बात हो, ये नहीं कि जैसे कि अब आरक्षण की बात होती है तो मुस्लिम्स को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने अगर कहा कि 18% मुस्लिम आरक्षण मिलेगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इनका कहना कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, मैं कहता हूँ मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी तो मेजॉरिटी है, मुस्लिम की मेजॉरिटी कितनी है, 19% से 20% है, तो अगर एक 7% 8% या 9% की आबादी वाला अगर एक सीएम बन सकता है तो क्या 19% वाला सिर्फ मतलब वो वोट डालने की मशीन है क्या, खाली वोट डालने की, मतलब खाली वोट डालता रहेगा और उनकी गुलामी करता रहेगा? अच्छा, किसकी गुलामी करता है? जो भी सरकार बनती है, जैसे कि सपा है, हमने सपा को वोट दिया, पिछले 70 सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस को हमने वोट दिया, इन्होंने सबसे अलायंस भी किया, सपा बसपा का भी अलायंस रहा आपने देखा लोकसभा के चुनाव में, और चुनाव होने के बाद भी क्या हुआ, वो उसके बाद भी यही हुआ कि तब भी मतलब जो बीजेपी को नहीं रोक पाए, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि तो इसी वजह से जो हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है सरकार बने तो वो सरकार ऐसी बने कि जिसमें सबकी बात हो। अच्छा, एक मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ कि फ़र्ज करिए, मान लीजिए कि सपा अलग चुनाव लड़ती है, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, और असदुद्दीन ओवैसी तमाम छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर गठजोड़ करते हैं, ऐसे में आपके हिसाब से क्या होगा फिर? ऐसे में मेरे हिसाब से ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी का, देखिए इस बार मैं आपको पहले क्या कह रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ जहाँ तक कि पिछली बार से इस बार ज़्यादा इम्पेक्ट रहेगा, और जो यूथ है पूरा यूथ कम्युनिटी जो है कम से कम 60-70% वोट कन्वर्ट होगा उधर की तरफ। ये मुझे एक बीटेक वालों का ये अच्छा लगता है, एकदम नंबर में बात करते हैं, 90% वोट बढ़ेगा, 60% साथ होगा, है इसने भी मतलब ये इसने कहा 70% लोगों में पॉलिटिकल कीड़ा है, एकदम धड़ाधड़ एक नंबर दे दूं। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर, सब्सक्राइब करें।